मुद्दा ले आई हूँ यहाँ पे। मैं जिस चुनाव क्षेत्र का मुद्दा लेके आके आई हूँ, उस चुनाव क्षेत्र का मुद्दा सिर्फ चुनाव क्षेत्र तक सीमित नहीं है, तो ये मुद्दा मुंबई और महाराष्ट्र और देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश के जब बिजीएस्ट एयरपोर्ट के बारे में हम बात करते हैं तो दिल्ली पहले नंबर पे आता है, दूसरा मुंबई आता है और तीसरा हैदराबाद आता है। ये दूसरे नंबर का मुंबई एयरपोर्ट जो है, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में है, उस एयरपोर्ट के मुद्दे के बारे में मैं यहाँ पे आपके सामने विषय रखना चाहती हूँ। मुंबई एयरपोर्ट में मैं खुद पायलट होने की वजह से मैं जानती हूँ वहाँ पे जिस प्रकार से बिजीएस्ट एयरपोर्ट के रूप से वाहतूक की यातायात बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल और नेशनल के रूप से, उस रूप से जिस प्रकार की यंत्रणा चाहिए, जहाँ पे डेवलपमेंट चाहिए, वो डेवलपमेंट अब तक मुंबई एयरपोर्ट पे हुई नहीं है। उस हवाई अड्डे पे अपेक्षा इतनी की जाती है, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बाहर प्रदेशों में देखते हैं, दिल्ली और कलकत्ता में भी देखते हैं, तो पैरल रनवे 3 या 4 लगते हैं। आज मुंबई एयरपोर्ट में दिक्कत ये आती है कि 2 और 3 ही पैरल रनवे भी नहीं है, एक दूसरे से कटे हुए हैं, तो एक ही रनवे का इस्तेमाल होता है। इसीलिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और जीवीकेएस ने मिला के MIAL एक करके एक नया कंस्ट्रक्टिव JV तैयार किया था। वो 2006-3 मई को एज इज वेयर इज बेसिस पे बना गया था। उसे यह तय किया गया था कि वहां पे जो एनक्रोच लैंड है, जहां पे 90,000 बस्तियों में रहने वाले, 90,000 झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों के अच्छे रूप से वहां ही घर मिलेंगे और फिर एयरपोर्ट का भी विस्तार होगा। यहां पे 2 फायदे होते हैं कि एयरपोर्ट का विस्तार होगा डिफेंस के रूप से, सिक्योरिटी के रूप से। एयरपोर्ट के पास के नजदीक की झुग्गी झोपड़ियां हैं, उन झुग्गी झोपड़ियों को दूर रखा जाए तो एयरपोर्ट मंत्रालय को भी उसकी समर्थन होगा, और जो झुग्गी झोपड़ियों में इतने सालों से रहने वाले लोग हैं, जिनके सर पे अच्छा घर चाहिए, छत चाहिए, उनके भी वहीं अच्छे रूप से घर बने। तो इस MIAL के रूप से एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2006 में HDIL करके एक कंपनी के साथ टाइप किया। HDIL को उस रूपी, उस 2000 एकड़ के रूपी महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी मदद की और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के रूप से उनको घर बनाने की इजाजत दी। लेकिन घर बनाने की जब इजाजत दी, उस रूप से HDIL ने जो काम करना चाहिए था वो किया नहीं, और मामला फिर MIAL और HDIL का न्याय प्रविष्ट हो गया और सुप्रीम कोर्ट से वो आर्बिट्रेशन में पहुंच गया। आज आर्बिट्रेशन में मामला तो पहुंच गया है, लेकिन उस मामले के पहुंचते वहां पे रहने वाले, इतने सालों से रहने वाले झुग्गी झोपड़ियों के लोगों को घर नहीं मिल रहे, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो नहीं आ पा रहा है। HDIL ने जो ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंटल राइट्स जो होते हैं, जिसे बहुत कमाए जाते हैं बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियों से, उस HDIL कंपनी पे अभी बहुत सारे FIR हुई है। उस HDIL कंपनी में TDR तो ले लिया, बेच भी दिया, अपनी कंपनी को मुनाफा दिया, जो लेकिन गरीब लोग हैं 90,000 बस्तियों में रहने वाले, उनके 15,000 लोगों को भी घर नहीं दिए। पीपल अफेक्टेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन लोगों के लिए उस चुनाव क्षेत्र में और अंधेरी में 3-4 जगहों पे घर बनाने के लिए कहा था। 15,000 ऐसे घर बने हैं, लेकिन अब तक अध्यक्ष महोदया उन घरों में लोगों को रहने के लिए जगह दी गई नहीं है। ऐसा मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम चाहते हैं कि नवी मुंबई में नया एयरपोर्ट बने, लेकिन जब मैंने अभ्यासिका निकाली नई मुंबई की, तो नई मुंबई को पहुंचते पहुंचते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होते होते 2018 होंगे पहला चरण बनने के लिए। तब तक यहाँ की जो बिजिएस्ट एयरपोर्ट मुंबई की, और अपेक्षाएं बढ़ती जाएंगी और लोग चाहेंगे कि मुंबई एयरपोर्ट का विस्तार हो। तो मैं इस पटल से, संसद के पटल से अपेक्षा करती हूँ कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट और MIAL एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस बिजिएस्ट एयरपोर्ट को जितना महत्वपूर्ण महत्व देना चाहिए, क्योंकि मुंबई एक हमारी आर्थिक राजधानी है, इंटरनेशनल सिटी है। उस मुंबई एयरपोर्ट में 25% GDP इस देश को दिया है, तो उस मुंबई के लिए और मुंबई की अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पूरी तरह से ध्यान दिया जाए, ये अपेक्षा करती हूँ, और रहने वाले झुग्गी झोपड़ी लोगों के लिए उनका घर मिले, इतनी अपेक्षा करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।